हेलो स्टूडेंट, वेरी चीयरफुल गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर स्टार्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्स लिंक लिंक्ड इनहेरिटेंस। देखिए सेक्स लिंक इनहेरिटेंस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सेक्स लिंक की कि इट इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इट इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को शो करता है क्योंकि इसके अंदर क्रिस क्रॉस क्या होता है कि जो फादर है डज नॉट पास सेक्स लिंक थे। फादर डज नॉट पास द सेक्स लिंक ट्रेट्स। के जो फादर है वो सेक्स लिंक ट्रेट को पास नहीं करता। फादर सेक्स लिंक ट्रेट को पास नहीं करता किसके अंदर। फादर डज नॉट पास द सेक्स लिंक ट्रेट्स ऑफ हिज सन्स अपने बच्चों में, अपने लड़कों के अंदर या सन के अंदर, अपने सन के अंदर ये ट्रेट को पास नहीं करता। और हम कह सकते हैं कि फादर पास द ट्रेट ओनली फीमेल ओनली डॉटर कि फादर डॉटर के अंदर अपनी जो ट्रेड्स है वो पास कर सकता है। वेयर इट रिचेज द ग्रांड सन जहां से ये ग्रांड सन तक पहुंच जाता है। ये क्या रहता है द गार्डनिंग। ये अगला जो टॉपिक होगा हमारा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, उसके अंदर बताया जाएगा डिटेल में क्या होता है। क्योंकि यहां पर जो फादर है या मेल है उसके अंदर ओनली वाई क्रोमोसोम्स होते हैं और इट डज नॉट कैरी many alleles। वे ये कह रहा है कि जो X क्रोमोसोम्स हैं वो तो बहुत ज्यादा एलील्स को कैरी कर लेता है, परंतु जो Y क्रोमोसोम्स हैं वो ज्यादा एलील्स को कैरी नहीं कर सकता। इसलिए ये फादर अपने डॉटर के द्वारा अपने ग्रांड सन के अंदर ट्रांसफर करता है। दूसरा इसके अंदर है कि जो फीमेल है, फीमेल पास ट्रेट सेक्स लिंक, फीमेल सेक्स लिंक का ट्रेट मेल फीमेल डॉटर और सन दोनों के अंदर, फीमेल पास द ट्रेट सेक्स लिंक डॉटर एंड सन बोथ डॉटर एंड सन दोनों के अंदर ये पास करती है। जो तीसरा है सेक्स लिंक्ड ट्रेट वो रिसेसिव में होती हैं। अगर मेजोरिटी देखी जाए सेक्स लिंक जो ट्रेट्स ये मोर ऑफन इन मेल देन फीमेल की बजाय मेल के अंदर ज्यादा होते हैं। सेक्स लिंक ट्रेट harmful in male
मेल के अंदर ये हार्मफुल होते हैं क्योंकि ये सेक्स लिंक डिसऑर्डर शो करते हैं। सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स को शो करते हैं मेल के अंदर। फीमेल जर्नली फीमेल के अंदर जो सेक्स लिंक्ड होते हैं वो जर्नली सेक्स लिंक जो ट्रेट्स हैं वो जर्नली कैरियर करते हैं, उसको जर्नली कैरियर करते हैं, इफेक्टेड नहीं करते। अब हम देखते हैं कि कोई डोमिनेंट होता है कोई जीन। सेवंथ पॉइंट में हम आते हैं, सेवंथ पॉइंट में आते हैं अगर सेक्स लिंक जीन सेक्स लिंक रिसेसिव में हो तो क्या, सेक्स लिंक अगर रिसेसिव में हो तो क्या हो, ये चीज देखिए कैसे हो। अगर रिसेसिव में होगी तो प्रोड्यूस डिसऑर्डर, डिसऑर्डर्स इन मेल, मेल के अंदर ये डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि मेल के अंदर सिंगल मेल जो होता है, अभी हमने बताया था मेल के अंदर सिंगल एलिप्स होती है वाई, सिंगल एलिप्स है वाई, वाई एलिप्स जो वाई एलील क्रोमोसोम के रूप में, वाई एलील से क्रोमोसोम्स, ये डज नॉट कैरी, डज नॉट कैरी सेक्स लिंक्ड डिजीज, सेक्स लिंक जीन, सेक्स लिंक जीन को कैरी नहीं करता, इसलिए ये मेल के अंदर ज्यादा पाया जाता है। यहां पर जो फीमेल है वो होमोजाइगस, होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट्स में होती है, रिसेसिव ट्रेट में फीमेल होमोजाइगस रिसेसिव, यानी हम कहते हैं फीमेल होमोजाइगस है परंतु रिसेसिव है, होमोजाइगस ट्रेट में होती है और ऑलवेज रिसेसिव में पाई जाती है, इसलिए वो ट्रांसफर, इसलिए ये ट्रांसफर करती है इस ट्रेट को हिज सन, अपने सन के अंदर ट्रांसफर करती है। एट्थ है कि सेक्स लिंक्ड अगर डोमिनेंट हो, सेक्स लिंक जीन अगर डोमिनेंट हो तो क्या हो, देखिए सेक्स लिंक अगर डोमिनेंट हो तो यहां पर जस्ट रिवर्स हम कह सकते हैं, जस्ट रिवर्स हम इसमें कह सकते हैं कि यहां पर प्रोड्यूस डिसऑर्डर्स इन फीमेल मोर ऑफन देन फीमेल, यानी फीमेल के अंदर यहां पर चांस ज्यादा बढ़ जाता है और यहां पर यह ट्रांसफर भी नहीं हो सकता, यहां पर भी कंटिन्यू ट्रांसफर नहीं हो सकता। अब यहां पर ये करैक्टरिस्टिक खत्म होता है, दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा। अभी देखिए न्यू टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या है, ये है इट इज अ टाइप ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक सेक्स लिंक इनहेरिटेंस की टाइप है, जहां पर वेयर ए पेरेंट्स pass the trait to the grandson
टू द ग्रांड सन या ग्रांड चाइल्ड, ग्रांड सन या ग्रांड चाइल्ड ऑफ सेम सेक्स, ऑफ सेम सेक्स यानी जो भी पेरेंट्स होगा वो वहां पर सेम सेक्स में पास करेगा, कोई भी पेरेंट्स होगा वो सेम सेक्स के अंदर पास करेगा, चाहे मेल हो या फीमेल हो, थ्रू ऑफस्प्रिंग ऑफ, थ्रू ऑफस्प्रिंग, थ्रू ऑफस्प्रिंग ऑफ, कौन सा ऑफस्प्रिंग ऑफ अपोजिट सेक्स, ऑफस्प्रिंग ऑफ अपोजिट सेक्स, अपोजिट सेक्स के ऑफस्प्रिंग के द्वारा ये पास करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस ऊपर वाले का मींस हुआ फादर पास करेगा डॉटर के द्वारा सन में, ग्रांड सन, ग्रांड सन में, यानी फादर पास करेगा डॉटर के द्वारा ग्रांड सन में, फादर पास करेगा डॉटर के द्वारा ग्रांड सन में, कार्ड क्या कहलाया, डाई गाइनिक, और मदर पास करेगी सन के द्वारा ग्रांड डॉटर, ग्रांड डॉटर, मदर पास कर रही है सन के द्वारा ग्रांड डॉटर में, फादर पास कर रहा है डॉटर के द्वारा ग्रांड सन में, जो ग्रांड फीमेल जो पास कर रही है क्या है, डाई हेंड्रिक, डाया एंड्रिक कहलाया, यानी अपोजिट सेक्स के अंदर ये पास कर रहे हैं। एग्जाम्पल है वुमेन का, इसमें एग्जाम्पल वुमेन के अंदर इसका एग्जाम्पल है कि ये रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ये दो ऐसे हैं जो पास कर रहे हैं। देखिए जिस पेरेंट्स में हो जाएगा उसमें रेड ग्रीन दिखाई, रेड ग्रीन कलर दिखाई नहीं देगा, हीमोफीलिया होता है। ये आगे आएंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर है हीमोफीलिया, जिसमें प्रोटीन चेन में प्रोटीन प्रोटीन का अब्सेंट होना, जो लॉन्ग प्रोटीन चेन है उसके अंदर प्रोटीन जो प्रोटीन है वो अब्सेंट हो जाती है, फीमेल ऑलवेज कैरियर होती है, जिसमें स्लाइटली कट लग जाए तो कंटिन्यू ब्लीडिंग होती है। ये हमारे पास था क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अब है सेक्स, अब इससे अलग होकर स्टार्ट हो सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, लिमिटेड कैरेक्टर, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर। ये कहता है कि जो ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, एक तो ऑटोसोम और एक सेक्स, तो ऑटोसोमल जो ट्रेट है, ऑटोसोमल जो ट्रेट्स हैं, ऑटोसोमल ट्रेट्स विच आर एक्सप्रेस वो एक्सप्रेस होंगे इन पर्टिकुलर सेक्स, इन ए पर्टिकुलर सेक्स, जो ऑटोसोमल ट्रेट्स हैं वो विच आर एक्सप्रेस होंगे किसी पर्टिकुलर सेक्स इन रिस्पॉन्स टू द सेक्स हार्मोन, पर्टिकुलर सेक्स इन रिस्पॉन्स टू, इन रिस्पॉन्स टू सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन्स के अकॉर्डिंग ही थ्रू देयर जीन आल्सो करिंग अदर। ये कह रहा है कि ऑटोसोमल ट्रेट विच आर एक्सप्रेस होंगे इसी पर्टिकुलर सेक्स में रिस्पॉन्स टू सेक्स हार्मोन्स, जो सेक्स हार्मोन्स हैं उसके रिस्पॉन्स में होंगे, उसके रिस्पॉन्स के अंदर होंगे, थ्रू देयर जीन्स आल्सो अकर, थ्रू
their genes also occur, देखिए उस genes के द्वारा होंगे जो occurring in the others, in the others. ये कह रहा है कि वो ऑटोसोमल करेक्टर्स हैं जो सेक्स हार्मोन के साथ ही जाएंगे, लेकिन वो किसी दूसरे के अंदर जाएंगे. एग्जाम्पल कैसे, देखिए अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं कैसे जाएंगे. देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है मिल्क सिक्रेशन. इन मिल्क का सिक्रेशन होना किसके अंदर, इन ममेलियन, ममेलियन के अंदर, जो ममेलियन है उसके अंदर मिल्क का सिक्रेशन होना क्या कहलाता है, ये इसका एग्जाम्पल है. मिल्क का जो सिक्रेशन होना है फीमेल के अंदर, ममेलियन फीमेल में, ये इसका एग्जाम्पल है. दूसरा है मेल के अंदर होती है पैटर्न ब्लेडनेस, पैटर्न ब्लेडनेस इन मेल. अब देखिए हमने दो एग्जाम्पल दिए, इसमें क्या है कि जो मेल है उसमें जो मेल मेल के अंदर एक पैटर्न होता है ब्लेडनेस, उसमें मेल के अंदर जो ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल है ये डोमिनेंट होती है, डोमिनेंट होती है, और फीमेल के अंदर ये ऑटोसोमल है वो, ऑटोसोमल है वो रिसेसिव होती है, जिसके कारण फीमेल आदिशा मेल की सिग्रेट करती है, मेल के अंदर ब्लेडनेस यानी क्रीम हो जाती है. ये इसके एग्जाम्पल. दूसरा हमारे पास एक अलग टॉपिक है सेक्स इन्फ्लुएंस, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट, इन्फ्लुएंस ट्रेट. सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट क्या होते हैं, ये वो है द ट्रेट नो पर्टिकुलर, द ट्रेट no particular gene, किसी particular gene के ये trait नहीं होते, but by product of sex hormone. ये कहते हैं कि वो traits हैं जो gene के नहीं होते particular किसी के भी, लेकिन ये सेक्स हार्मोन के प्रोडक्ट होते हैं. देखिए इसका भी एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है लोपिच, लोपिच, लोपिच वॉइस, कि भाई आवाज की जो पिच है वो लो हो जाए. मूड स्टैक डाटिंग का ब्रेड, दाढ़ी नहीं आना, मूंछ नहीं आना, ब्रेड, इसमें ब्रेड भी डाल सकते हो, ब्रेड दाढ़ी नहीं आना, मूंछों का नहीं आना, ये सब इसी के ब्रेड के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये जीन ऑटोसोमल आदिशा क्योंकि जो ये ऑटोसोमल है ये मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन के कारण होती है. टेस्टोस्टेरोन इज ए मेल हार्मोन, उसके कारण ही ये डेवलप होती है, बाकी और किसी के कारण ये मोस्टली डेवलप नहीं होती है. स्टूडेंट्स ये टॉपिक खत्म हो गया है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, यहां पर ये टॉपिक खत्म हो गया है सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स, और यहां पर ये टॉपिक खत्म हो गया है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट. नया टॉपिक स्टार्ट होगा कल, हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्रॉसिंग ओवर